वर्ल्ड कप 2023 के 35th मैच में पाकिस्तान ने डकवर्थ लुईस नियम के तहत न्यूजीलैंड को 21 रन से हरा दिया है। बता दें कि बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में न्यूजीलैंड ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 401 रन बनाए थे, जिसमें रचिन रविंद्रा की शानदार शतक की पारी हमें देखने को मिली थी। बता दें कि इस मुकाबले में रचिन रविंद्रा ने 94 बॉल्स में 108 रन की शानदार पारी खेली। इनके अलावा केन विलियमसन ने इस मुकाबले में वापसी की थी और उन्होंने 79 बॉल्स में 95 रन बनाए। इनके अलावा दोस्तों बड़ी पारी खेलने में कामयाब रही ग्लेन फिलिप्स, जिन्होंने 25 बॉल में 41 रन की पारी खेली, जिसके बाद दोस्तों पाकिस्तान की टीम को 402 रन का लक्ष्य न्यूजीलैंड की टीम ने दिया। लेकिन बारिश की वजह से पाकिस्तान की पारी 41वें ओवर की हो गई और उनके सामने नया लक्ष्य 342 का हो गया था, जिसके जवाब में पाकिस्तान की टीम ने 25.3 ओवर में एक विकेट खोकर 200 रन बनाए। इसके बाद खेल नहीं खेला जा सका क्योंकि बारिश फिर दोबारा से पड़ने लगी थी, जिसके बाद पाकिस्तान की टीम ने डीएलएस मेथड के अनुसार 21 रन से इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया। वेल बता दें कि दोनों ही टीम इस मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करती हुई नजर आई, जहां पर न्यूजीलैंड की तरफ से रचिन रविंद्रा ने शतकीय पारी खेली और विलियमसन ने 95 रन की, तो वहीं पाकिस्तान की तरफ से फकर जमान एकमात्र ऐसे बल्लेबाज रहे जिन्होंने 81 बॉल्स में 126 रन की शतकीय पारी खेली। बता दें कि अब्दुल्ला शेफिक इस मुकाबले में बिल्कुल ही फेल नजर आए, जो कि 9 बॉल खेलते हुए 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इनके अलावा बाबर आजम ने 63 बॉल्स में 66 रन बनाए और दोनों ही खिलाड़ी यानी कि फकर जमान और बाबर आजम दोनों ही नॉट आउट रहते हुए इस मुकाबले को खेलते हुए नजर आए। वेल यहां पर अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड की जो गेंदबाजी थी वो काफी खराब नजर आई, टीम साउदी ने मात्र एक ही विकेट अपने नाम किया। तो वहीं अगर पाकिस्तान की गेंदबाजी की बात करें तो यहां पर मोहम्मद वसीम जूनियर ने काफी अच्छी गेंदबाजी की और 3 विकेट उन्होंने अपने नाम किए। इनके अलावा हसन अली, इफ्तिकार अहमद और हैरिस स्टॉफ ने एक एक विकेट अपने नाम किया। हालांकि यहां पर शाहीन अफरीदी को एक भी विकेट हासिल नहीं हुआ। अब हालांकि दोस्तों यहां पर पाकिस्तान की टीम इस मुकाबले को डीएलएस मेथड के अनुसार तो जीत गई है, लेकिन अभी भी टॉप 4 में आने के लिए टीम को अपना अगला मुकाबला जीतना होगा, जो कि इंग्लैंड के खिलाफ होगा 11 नवंबर को। तो वहीं अगर न्यूजीलैंड की टीम को टॉप 4 में अपनी जगह बनानी है तो उन्हें भी श्रीलंका को करारी शिकस्त देनी होगी, और अगर दोनों ही टीम ये मुकाबला जीत जाती है और जिसका नेट रन रेट ज्यादा अच्छा हुआ वो टीम सीधे टॉप 4 में शामिल हो जाएगी। वेल दोस्तों आपको क्या लगता है, क्योंकि यहां पर दोनों ही टीम के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली, कौन सी टीम होगी जो कि टॉप 4 में अपनी जगह बनाएगी? नीचे कमेंट सेक्शन में अपना जवाब हमारे साथ जरूर शेयर करें। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए क्रिकेट लाइन गुरु, सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग।